नमस्ते जी दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर धैर्यवान, आपका अपना रेकी मास्टर। दोस्तों, आज हम सुंदर बालों के लिए रेकी हीलिंग समझेंगे कि कैसे हम रेकी हीलिंग को करके अपने बालों को सुंदर कर सकते हैं, घने मुलायम और प्राणवान बना सकते हैं, बहुत ही आकर्षक बना सकते हैं। अगर आप बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो कारण चाहे कोई भी हो, सिर्फ आपकी एक प्रबल इच्छा मात्र से आपके बाल खूबसूरत होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपके बाल असल में, अगर बायोलॉजिकली देखा जाए, मेडिकली देखा जाए, तो वो सिर्फ एक डेड सेल है, मरी हुई कोशिकाएं हैं जो आपके शरीर से बाहर निकलती है काले रंग के फॉर्म में, या कहीं कहीं भूरे या कहीं सफ़ेद रंग के फॉर्म में। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बालों का झड़ना कई कारणों से हो सकता है, लेकिन क्योंकि अब बालों को होना सुंदरता का प्रतीक है और सुंदर होना आपका अधिकार है, तो आपको बालों को खूबसूरत बनाना है। कैसे हीलिंग करेंगे बालों का? देखो, बाल कहाँ पर है? सिर पे, स्केलेटन पे, खोपड़ी पे। तो ये सीधे सीधे सहस्रार चक्र से जुड़ा हुआ है। तो आपको बालों को अच्छा बनाने के लिए अपने सहस्रार चक्र को हील करना चाहिए। सहस्रार चक्र को हील करने के लिए, जो लोग रेकी हीलिंग नहीं जानते हैं, उनके लिए अपने हाथों को कम से कम 3-4 मिनट रगड़ें, इस तरह से ठोकें, प्रार्थना करें परमपिता परमात्मा से कि हे प्रभु, मेरे हाथों में हीलिंग एनर्जी को भरिए, जिससे मैं अपने बालों को हील कर सकूं। और इस तरह से हाथों को ऊपर रखेंगे। याद रखना दोस्तों, कभी भी सहस्रार चक्र को हम इस तरह से टच नहीं करते, छूते नहीं, क्योंकि दिव्य शक्ति ऊपर से ही बरसती है सिर पर, सहस्रार चक्र पर, और सातों चक्रों से होते हुए ऊर्जावान करते हुए आपके शरीर में दौड़ते हुए आपके हाथों में आती है, पाम में आती है। तो ऊर्जा यहीं से आकर के फिर आपके हाथों में घूम करके फिर आप उसे उसी जगह पर छोड़ रहे हैं। इसलिए अगर आप इसे ब्लॉक कर देंगे तो ऊर्जा सिर पर, सहस्रार चक्र पर नहीं गिरेगी। तो इसे कम से कम 10 मिनट हील कीजिएगा, जैसे आपने आंखों को हील किया था। जिन लोगों ने रेकी हीलिंग नहीं सीखी उनकी बात चल रही है, जो लोग रेकी हीलिंग जानते हैं वो लोग सिर्फ 3 मिनट हील करेंगे अपने हाथों में 3 सिंबल्स बना करके, चौकुरे, सेहकी और होंशा जेशोनेन। अगर आप पहले लेवल पे भी हैं तो एक ही सिंबल बना करके भी आप हील कर सकते हैं, लेकिन तीसरे लेवल पे आकर हील करना सबसे बढ़िया होता है। आप अपना भी, अपनों का भी, या अपने क्लाइंट का, अपने पेशेंट्स की भी बालों को हील करके उन्हें अच्छा स्वस्थ बना सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए, आपकी प्राण ऊर्जा प्रबल होनी चाहिए और आपका संकल्प शक्ति भी प्रबल होना चाहिए। ध्यान बहुत अच्छे से लगाइएगा और उसके बाद ही हील कीजिएगा, क्योंकि सहस्रार चक्र को हील करने से सिर्फ बाल ही नहीं, सहस्रार चक्र से जुड़े हुए बहुत सारे फंक्शंस हील होंगे और आपका विजडम भी खोलेगा, आपकी ज्ञान की चक्षु में भी खिलेंगे, आपको बहुत कुछ समझ में भी आएगा, बहुत और नई जानकारियाँ भी मिलेंगी। तो इस तरह से आप अपने बालों को रेकी हीलिंग के माध्यम से हील कर सकते हैं। रेकी हीलिंग की कॉलिंग अच्छे से करिएगा, जिसका वीडियो हम बना चुके हैं, रेकी हीलिंग को कॉल कैसे करते हैं, कैसे बुलाया जाता है, अपने हथेलियों में कैसे इसे स्पंदित किया जाता है और फिर हील किया जाता है। नॉर्मली भी, नॉर्मल डे पर आप अपने हाथों को, जिस दिन अगर हील नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने हाथों में रेकी ऊर्जा को कॉल करके इस तरह से अपने बालों की मालिश करें, इस तरह से, है ना। इससे ऊर्जा आपके बालों में आएगी, आपका बाल बिल्कुल स्वस्थ होगा, सिर का मसाज होगा बिल्कुल। इस तरह से आप उन्हें करिए। जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं उसे अपने हाथों में रख के, इस तरह से उस डब्बे को हाथों में रख के आप हील कर सकते हैं। हील करने के बाद उस तेल को अपने बालों में लगाएं, तो उससे वो एक ऊर्जा आती रहेगी। एक चीज़ और, इस एंजल नंबर को अपने ऑयल के बॉटल में लिख लीजिएगा, अपने पानी के बॉटल में लिख लीजिएगा, उस पानी का सेवन कीजिए, उस ऑयल को अपने बालों में लगाइए, मसाज कीजिए, इससे आप को उस एंजल नंबर से फ़ायदा मिलेगा और बाल आपके हेल्दी होने शुरू हो जाएंगे। एंजल नंबर का पूरा प्रयोग कैसे करना है, इस पर भी एक पूरा वीडियो बना है, जिसे आप देख लीजिएगा, जिससे आप सिर्फ एंजल नंबर के प्रयोग से भी अपने बालों को हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हैं। दोस्तों, मेरा प्रयास है कि मैं हमारे पुराने विज्ञान को, पुराने हीलिंग विज्ञान को आप तक पहुँचाऊँ और आप लोगों को स्वस्थ, सुंदर और शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन शैली दे सकूँ। इस कार्य में आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आपका साथ बहुत ज़रूरी है। तो साथ दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इन सारी हीलिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करें, ताकि मेरे बताए हुए, मेरे इस मेहनत ज़ाया ना हो और आपको इसका पूरा लाभ मिले। आशा करता हूँ कि अब आपके बाल बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। मैं प्रार्थना करूँगा कि आपकी हीलिंग बहुत अच्छी हो। मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोज़ पर, बहुत सारी हीलिंग रिलेटेड बातें करनी बाकी है।
जो कि हम आने वाले वीडियोस पर करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते आई जी।